हेलो स्टूडेंट्स, दिस सेशन इज़ फॉर क्लास सिक्स, सब्जेक्ट रीजनिंग, चैप्टर 10, लेक्चर 1. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. आवर टुडेज टॉपिक इज एनालॉजी. अ सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच अ कंपेरिजन मे बी बेस्ड, द एनालॉजी बिटवीन द ऑमलेट एंड एन एग. इन क्वेश्चंस में, इन दिस क्वेश्चंस बेटा, आपको क्या फाइंड करना है कि सिमिलरिटी क्या है उनके बीच में, और दूसरे से कंपेयर करना है, और वही सिमिलर वर्ड, वही सिमिलरिटी उन दोनों वर्ड्स के बीच में होनी चाहिए. नाउ द एनालॉजी बिटवीन द ऑमलेट एंड एग. एग एंड ऑमलेट में क्या एनालॉजी है बेटा, कि ऑमलेट जो है एग से बनता है या एग से ऑमलेट बनता है, ये इन दोनों की एनालॉजी है. इसी तरीके से आपको और मेन और क्वेश्चंस में इनमें निकालना है आंसर. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स दैट्स क्लियर योर डाउट. एग्जांपल 1, निडल, क्लॉक, व्हील. क्लॉक में निडल जो है मूव करता है, तो व्हील किस में मूव करेगा? वॉक करोगे तब रोड, या व्हीकल, या ड्राइविंग, किस में मूव करेगा बेटा? व्हीकल में. सो आवर आंसर इज व्हीकल, बिकॉज जो फर्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है, वो सेकेंड वाले का मूविंग पार्ट है. फर्स्ट वर्ड सेकेंड वाले का मूविंग पार्ट है, इसीलिए नीडल क्लॉक में मूव करता है, व्हील व्हीकल में मूव करता है. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. कब, लॉयन, काफ. लॉयन की जो यंगर स्टेज है वो क्या है? कब. इसी तरीके से काफ किसकी यंगर स्टेज होगी? काओ की, राइट. सो आवर आंसर इज काओ. फर्स्ट इज द यंग वन ऑफ द सेकेंड. हेयर इज योर होमवर्क. सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव. क्वेश्चन नंबर 1, बटर, मिल्क, बुक. जैसे मिल्क से हमें बटर मिलता है, तो बुक हमें किस चीज़ से मिलती है? ऑथर से, प्रिंटिंग से, चैप्टर से, या पेपर से? ये आपको फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 2, कार, पेट्रोल, टेलीविज़न. कार पेट्रोल से चलती है, टेलीविज़न कैसे चलता है, कैसे स्टार्ट होता है, किस चीज़ से, क्या नीड है उसकी? क्वेश्चन नंबर 3, वॉकिंग, रनिंग, स्माइलिंग. वॉकिंग, आप वॉक कर रहे हो, लेकिन रनिंग इज़ द फास्ट वर्क, फास्ट वर्जन ऑफ वॉकिंग. स्माइलिंग, स्माइल कर रहे हो, उसका फास्ट वर्जन क्या होगा? फीलिंग, लाफिंग, फेस, या वीपिंग. क्वेश्चन नंबर 4, इंक, पेन. जैसे पेन में आपके इंक होती है, तो ब्लड किस में होता है? डोनेशन, वेन, एक्सीडेंट, डॉक्टर. क्वेश्चन नंबर 5, शिप, सी, कैमल. शिप जो हमें सी में देखने को मिलता है, कैमल कहाँ देखने को मिलता है? फॉरेस्ट में, लैंड पर, माउंटेन्स पर, या डेजर्ट पर? दिस इज़ योर होमवर्क सोल्यूशन, प्रीवियस होमवर्क सोल्यूशन, लेक्चर 9, पजल 2, ब्लड रिलेशन. दिस डायरेक्शन इज फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 5. ऑल द 6 मेंबर्स ऑफ द फैमिली ए बी सी डी ई एंड एफ आर ट्रेवलिंग टूगेदर. बी इज द सन ऑफ सी, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी. अगर बी सी का बेटा है, लेकिन सी बी की मदर नहीं है, तो क्या होगी बेटा? आप अपने या पापा और मम्मी के तो बेटे हो ना, तो अगर मदर नहीं है तो फादर. सी क्या हो जाएगा फिर? फादर हो जाएगा. ए एंड सी आर मैरिड कपल. ए एंड सी क्या है? मैरिड कपल हैं. ई इज़ द ब्रदर ऑफ सी. डी इज़ द डॉटर ऑफ ए. एफ इज़ द ब्रदर ऑफ बी. लेट्स सी अवर डायग्राम. Here it is our diagram. Let's see. B is the son of C. B is the son of C, right? C is not a mother, not a mother, it's a father. A and C are mother, married couple. A and C are married couple. तो अगर C father है, तो A mother हो जाएगी. E is the brother of C. E is the brother of C. D is the daughter of A. D is the daughter of A. F इज़ द ब्रदर ऑफ B. F इज़ द ब्रदर ऑफ B. अगर दोनों भाई हैं, तो A और C ही तो इनके फादर मदर होंगे ना.
सो दिस इज अवर डायग्राम. लेट्स सी अवर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर वन, हाउ मैनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली. मेल मेंबर्स कितने हैं फैमिली के अंदर. देयर आर फोर मेल मेंबर्स इन द फैमिली. क्वेश्चन नंबर टू, हु इज द मदर ऑफ बी. बी की मदर कौन है. आंसर, अवर आंसर इज ऑप्शन डी, ए. ए इज द मदर ऑफ बी. क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मैनी चिल्ड्रंस डज ए हैव. ए, हाउ मैनी चिल्ड्रंस डज ए हैव. ए हैव थ्री चिल्ड्रंस. क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ फीमेल्स. इनमें से फीमेल का पेयर कौन सा है, कि जो दोनों फीमेल हो वो पेयर ढूंढना है आपको. ए डी, ए डी इज द फीमेल पेयर. हाउ इज ए रिलेटेड टू डी. ए डी से कैसे रिलेटेड है. नन ऑफ दिस, ना ही वो फादर है उसका, ना ब्रदर है, ना अंकल है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है. सो नन ऑफ दिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग, लाइक अवर वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल, कीप स्माइलिंग, कीप सेंडिंग योर होमवर्क. थैंक यू टू वॉच.